दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन चंद्र भारती, आप सभी का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संसद में विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जो कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलनी है। 18 सितंबर को जो हमारा पुराना पार्लियामेंट था, पुराना लोकसभा जो था, उसमें बैठक हुई और एक दिन 18 सितंबर को उसमें बैठक होने के बाद में उस संसद भवन को विदाई दे दी गई और 19 सितंबर से नए संसद भवन में बैठकें शुरू हुई। पुराने संसद भवन को का नाम प्रधानमंत्री जी संविधान भवन के नाम से प्रस्तावित किया है, जो कि आम सहमति से अब उस पुराने संसद भवन को संविधान भवन के रूप में जाना जाएगा। 18 सितंबर को जो बैठक हुई उसमें जो पुरानी पार्लियामेंट हमारी है, भारत की पार्लियामेंट संसद भवन, उसमें संसदीय प्रणाली और जब से संसद बना है, शायद लॉर्ड इरविन के समय में 1927 से 1928 में पार्लियामेंट का निर्माण करवाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, उस समय से आज तक यानी 18 सितंबर तक उस पार्लियामेंट में होने वाले कार्यों के बारे में, होने वाले विधेयक जो पास हुए, बहुत सारे कानून बने, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, उन सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई और सारे दलों के लोगों ने उस विषय पर बात रखी। पर यह विशेष सत्र बुलाया गया था 18 से 22 सितंबर के बीच, जो कि अभी चल ही रहा है। नए संसद भवन में आने के बाद सबसे पहला बिल जो प्रस्ताव में रखा गया लोकसभा में, वह था वुमेन्स रिजर्वेशन बिल्स 2023, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 पहला जो बिल प्रस्तावित किया गया लोकसभा से चर्चा होने के बाद, करीब करीब 7-8 घंटे चर्चा होने के बाद लोकसभा से पारित हो गया वो बिल। और आज के डेट में मीन्स आज आपको तारीख है 21, आज के डेट में राज्यसभा में उस पर चर्चा हो रही है और फिर उस पर मतदान होगा। और आई होप सब लोग जानते हैं कि राज्यसभा से भी वो बिल पास हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति जी की उस पर मुहर लगनी है, यानी ये बिल पास हो चुका है, ये मान के चल सकते हैं। क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है, इसके खिलाफ और इसके विरोध में कोई जा नहीं सकते हैं। हाँ, एक दो मतदान जो है लोकसभा में AIIM के तरफ से असुद्दीन ओवैसी और उनके एक और सांसद हैं, ये दो लोग जो है विरोध में वोट किए थे। उनका कहना था कि इसमें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की बात नहीं की गई है, इसलिए हम इस बिल के विरोध में हैं, और इस बिल के विरोध में उन्होंने मतदान किया। उसके अलावा जितनी भी पार्टियां थी, सर्वसम्मति से इस बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है और राज्यसभा में आज इसके ऊपर बात चल रही है, शाम होते होते मतदान होगा और वहां से भी बिना किसी दिक्कत के पास हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो एक कानून बन जाएगा, तो इसमें बहुत सारे पेचीदगियां हैं। ऐसा नहीं है कि ये कानून बन गया तो इसका फ़ायदा जो है अगले चुनाव में, या फिर अभी जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसमें महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा क्या, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है। और अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर इतने जल्दबाजी में ये विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत क्या थी। ये बहुत खुशी की बात है कि 33% आरक्षण का जो बात बहुत दिनों से चला आ रहा था, बीपी सिंह के समय पे, HD देवेगौड़ा जी के समय पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे, फिर मनमोहन सिंह सरकार के समय पे, 2010 में तो ये राज्यसभा से पारित भी हो चुका था, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था, जिसके वजह से ये बिल लटका हुआ रह गया। पर अब अगर इसे हम
पारित करवा लेते हैं या एक कानून के शक्ल में बन जाता है, तो क्या इसका फ़ायदा अभी जो आने वाले चुनाव हैं या फिर अगले चुनाव जो 2024 में हैं उसमें महिलाओं को फ़ायदा मिल पाएगा क्या? इसका सीधा जवाब है नहीं, उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। यह कानून तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा, उससे पहले जनगणना होनी होगी। जनगणना होने के बाद में परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये कानून जो महिलाओं के लिए बना है उसका फ़ायदा महिलाएं उठा पाएंगे 33% आरक्षण का। तो ये बताया जा रहा है इसका फ़ायदा 2029 के जो आम चुनाव होंगे उस समय जाकर महिलाओं को ये फ़ायदा उनको मिल पाएगा। तो सवाल बस यही है कि ये आनन फानन में विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, जब इसे 2029 में जाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो फिर इसकी ज़रूरत आज के समय में क्यों पड़ गई। तो खैर राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन महिलाओं के उत्थान की बात है इसमें, इसमें सारे दल शामिल हैं और शामिल होना भी चाहिए। ये आधी आबादी की बात है, ये 33% रिजर्वेशन की बात है, हम तो बोलते हैं 50% रिजर्वेशन करना चाहिए, आधी आबादी की बात है। खैर हम इस विधेयक की जो बातें हैं, जो पेचीदगियां हैं, इसके जो छोटे छोटे चीज़ हैं उसमें उस बारे में आपको हम डिटेल से बात करेंगे और आप समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है मीडिया टीवी चैनल्स इतनी गहराई से आपको ये सारी बातें नहीं बता पाएंगी। क्वेश्चन आंसर के तरीके से मैं आपको पूरे डिटेल से वेमेंस रिजर्वेशन बिल के बारे में आपको मैं बात करने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आप चैनल्स पे जाएंगे, हो हल्ला वहाँ पे होता है, दो चार नेताओं को बुला करके जो सच बात है, जो सही बात है, वो आपके तक पहुँच नहीं पाती है। मोदी सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्यवाही में संविधान में 128वां संशोधन कर नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया। जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो मैं बोल रहा हूँ उसका नाम नारी शक्ति वंदन विधेयक के तौर पे पेश किया गया है। महिला आरक्षण पारित करने के लिए पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत चार सरकारों की ये 11वीं कोशिश है, यानी ये बहुत लंबे समय से ये कोशिश की जा रही थी कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पारित किया जाए, पर वो कोई सरकार सफल नहीं हो पाई। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार राज्यसभा में पारित करवाया था, पर लोकसभा में बहुमत नहीं होने के कारण पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी इस विधेयक के विरोध में थे, सरकार में रहते हुए भी विरोध में थे, उनके अपने कुछ कंसर्न थे, वो विरोध में थे, इसके वजह से 2010 में ये बिल पारित नहीं हो पाया था। इसमें जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब मैं आपको बताने वाला हूँ, सवाल क्या क्या हैं और इसके जवाब क्या क्या हैं। ये बिल कैसे पारित होगा, कब से लागू होगा, कितने दिनों के लिए लागू होगा, किन सीटों पर होगा, इन जरूरी सवालों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, महिला आरक्षण के लिए पेश विधेयक का नाम क्या है, जो कि मैं आपको पहले बताया। महिला आरक्षण के लिए पेश विधेयक का नाम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है, जिसे मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है। इस विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा सभी राज्यों के विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, यानी अगर 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेंगी। ये क्लियर हुआ, 543 सीटें हैं जिसकी कि 1/3 181 सीटें होती है, 181 सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। क्या संसद में बिल पारित होने से सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी यह लागू हो जाएगा? संसद से यह बिल पारित होने के साथ यह सभी राज्यों की विधानसभाओं में यह बिल लागू हो जाएगा? हाँ,
हो जाएगा। इसका जवाब है हाँ हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना होगा। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए इसे पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। ऐसे में आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी जरूरी होगी। अगर सभी राज्यों की विधानसभा प्रभावित हो रही है तो उस राज्य की विधानसभा भी सरकार से मांग कर सकती है कि हमारी सहमति भी ली जाए। जैसा कि मैंने अपने संबोधन में शुरुआत में ही बताया कि लोकसभा में यह पारित हो चुका है 20 सितंबर को ये पारित हो चुका है और आज के डेट में राज्यसभा में इस पर बहस चल रही है। तीसरा सवाल है, क्या ये आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषदों में भी लागू होगा? विधान परिषद और राज्यसभा में भी यह विधेयक लागू होगा। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, नारी शक्ति वंदन विधेयक जो पारित मोदी सरकार ने किया है, यह राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद है और राज्यसभा दिल्ली में है, ये आप जानते हैं। तो राज्यसभा और विधान परिषदों में भी लागू होगा यह विधेयक, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद में भी महिलाएं चुन करके जाती हैं, तो वहां ये लागू होगा क्या? इसका जवाब है नहीं। विधेयक में कहा गया है कि यह सीधे जनता द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों पर ही लागू होगा। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? जो संसद में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, जिसे आप सांसद बोलते हैं, एमपी बोलते हैं और विधायक बोलते हैं, है ना? तो उन्हीं के ऊपर लागू होगा, यानी विधानसभाओं में लागू होगा, हर राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा में लागू होगा। इसका मतलब यह है कि यह आरक्षण राज्यसभा या सभी विधान परिषदों, जिसकी की संख्या 6 है, पर लागू नहीं होगा। इस विधेयक में लोकसभा राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा शामिल है। चौथा सवाल है, क्या महिला आरक्षण आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव में लागू हो पाएगा? सॉरी 2004 नहीं 2024। फिर से क्वेश्चन दोहराता हूं, सवाल क्या है, क्या महिला आरक्षण आगामी 5 राज्यों के विधानसभा और लोकसभा 2024 के चुनाव में लागू हो पाएगा? जैसा कि मैंने शुरुआत में भी ये बात आपके सामने रख दी थी कि आगामी 2-3 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2024 में आम चुनाव होना है, मीन्स प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। उस वक्त ये जो विधेयक पारित हुआ है लोकसभा से और अब ये कुछ समय में कानून का शक्ल ले लेगा, तो क्या ये लागू हो पाएगा? ये जो चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव जो आने वाले हैं, इसका जवाब है, विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। इसके बारे में आपको बताता हूं, विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए 2011 में जनगणना हुई थी, तो 2021 में भी जनगणना होनी थी, पर वो 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, कुछ कारण कोविड का रहा, कोविड के कारण भी जनगणना को एक्सटेंड किया गया। तो अगली जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा और उस परिसीमन होने के बाद ही यह जो आरक्षण बिल है, महिला आरक्षण बिल है, वह लागू हो पाएगा। उसके अधिक हाँ तो क्या था, विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है। जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं इन सारी चीज़ों का, उनका मानना है कि 2026 से पहले जनगणना होना असंभव है और जनगणना में समय भी लगता है, 6 महीने साल भर का समय लग सकता है, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना
कोविड-19 की वजह से अभी तक नहीं हो सकी थी। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव और 2024 के लोकसभा के चुनाव समय पर होते हैं तो इसमें महिला आरक्षण पारित होने के बावजूद लागू नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ये विधेयक कानून का शक्ल ले लेगा, लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति जी की इस पे साइन हो जाएगी, मुहर लग जाएगा, कानून का शक्ल ले लेगा। पर यह कानून के शक्ल में संविधान में पड़े रहेंगे, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इसका लाभ महिलाओं को अभी फिलहाल तत्काल नहीं मिल पाएगा। इसका लाभ लेने के लिए अभी 5-6 साल इंतजार करना होगा, तब जाकर के महिलाओं को इसका लाभ मिल पाएगा, रिजर्वेशन जो इनको लोकसभा में और विधानसभाओं में मिलनी है, 1/3 जो आरक्षण की बात हो रही है। यही सवाल सबसे पहले यही सामने आके खड़ा होता है, तो फिर इतने आनन फानन में क्यों विशेष सत्र बुलाना पड़ा, जब इस कानून का फायदा महिलाएं उठा नहीं पाएंगी। तो जनगणना हो जाता, परिसीमन हो जाता, तब ये विधेयक लाया जाता। खैर कोई बात नहीं है। पांचवा सवाल है, क्या महिला आरक्षण हमेशा के लिए है? यह भी एक सवाल मन में उठता है कि ये महिला आरक्षण जो बिल पारित किया जा रहा है यह हमेशा के लिए है? इसका जवाब है, लोकसभा और विधानसभाओं में यह कानून जब लागू हो जाएगा उसके बाद 15 साल तक अमल में रहेगा, 15 साल तक अमल में रहेगा। उससे आगे रिजर्वेशन जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा। 15 साल तक इसका टाइम दिया गया है, फाउंडेशन है, उसके बाद भी अगर ये रिजर्वेशन बिल जारी रखना है, लागू रखना है, उसके लिए अलग से फिर से बिल लाना होगा। और मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत उसे पास कराना होगा। जिस तरह से अभी विधेयक को पास करवाया जा रहा है लोकसभा से राज्यसभा से, उसी तरह से उस वक्त भी इसे पास करवाना होगा। अगर ये आरक्षण, महिला आरक्षण बिल आगे भी कंटिन्यू रहे तो 15 साल के बाद फिर से इसे पारित करवाना होगा। अगर 15 साल के बाद उस समय की सरकार नया बिल नहीं लाती है तो ये कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। क्लियर है? 15 साल के बाद उस समय जो सरकार रहेगी, आज से 15 साल के बाद अगर वो नया बिल नहीं लाती है तो फिर महिला आरक्षण विधेयक जो कानून बन चुका होगा उस वक्त तक में, वह खत्म हो जाएगा। छठा और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ST/SC महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? क्योंकि जितने भी विपक्ष की पार्टियां इस बिल का समर्थन किए हैं, पर उनका कहना है ST/SC और OBC का कोटा भी इसमें होना चाहिए। सवाल क्या है, क्या ST/SC महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? आंसर है, इसका जवाब है, नहीं। ST/SC महिलाओं के लिए आरक्षण ST/SC कोटे से ही मिलेगा। आज के डेट में भी कोटा है ST/SC का, उसी के तहत मिलेगा। ये जो विधेयक जो पारित हुआ है नया वाला, अभी महिला आरक्षण अधिनियम विधेयक, इसमें ST/SC या OBC के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझिए। इस वक्त लोकसभा में ST/SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 131 है। ST/SC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या आज के डेट में 131 है। महिला आरक्षण विधेयक लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी 44 सीटें ST/SC महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, आरक्षित हो जाएंगी। यह जो विधेयक है ये पारित हो जाता है तो जो 131 सीटें हैं ST/SC कोटे से, उनमें से 44 सीटें यानी 1/3 सीटें ST/SC महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगे। तो जो 131 सीटें हैं वो महिलाओं की सीटें, आज के समय में जो कोटा दिया हुआ है ST/SC के लिए 131 सीट, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। 543 में से
आज के समय में जो 543 सीट हैं लोकसभा में, उसमें से 131 सीट जो है एससी एसटी कोटे के लिए रिजर्व रखा गया है। तो उसमें महिला और पुरुष दोनों सांसद हैं 131 में। जब यह विधेयक पारित हो जाएगा, कानून का शक्ल ले लेगा, तब 131 की एक तिहाई मीन्स 44 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। एससी एसटी कोटे से एससी एसटी की जो महिला होंगी उन्हें 44 सीटों पे चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। बाकी 87 सीटों पर महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है। यह भी क्लियर है। 131 में से 44 रिजर्व हो जाएंगी महिलाओं के लिए, एससी एसटी महिलाओं के लिए। बाकी जो 87 सीट्स बचते हैं उसमें महिला पुरुष कोई भी लड़ सकते हैं, एससी और एसटी के उम्मीदवार कोई भी लड़ सकते हैं। सातवां सवाल है, क्या ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? क्योंकि जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं एससी एसटी और ओबीसी के बारे में सब लोग बात करते हुए इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। सबका कहना है कि एससी और ओबीसी के लिए भी प्रावधान होना चाहिए था इस विधेयक में, जो कि नहीं है। तो सवाल है, क्या ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? जवाब है नहीं। इस विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। सरकार आज नहीं तो कल करना ही होगा आगे चल करके, क्योंकि हमें मालूम है कि ओबीसी की आबादी जो है देश में 50% से एभव है, और उनके महिलाओं के आरक्षण की बात इस विधेयक में नहीं की गई है। विरोध करते हुए भी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया है, क्योंकि इसमें महिलाओं की बात है, चाहे वो महिलाएं सामान्य वर्ग की हों, ओबीसी की हों, एससी एसटी की हों, वो महिलाएं कोई भी हों, यहाँ पे सिर्फ महिलाओं पे जोर दिया जा रहा है। लेकिन आगे चल करके इसमें भी वर्गीकरण किया जाएगा कि ओबीसी की महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व किया जाए, लेकिन इस विधेयक में ओबीसी को लेकर के, ओबीसी महिलाओं को लेकर के कोई भी रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है, ये क्लियर है। आठवां सवाल है, कौन सी सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए, यह कैसे तय होगा? यह भी एक सवाल है। जैसे आज के डेट में बनारस से हमारे प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, सांसदी का यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए उन्हें बनारस जाकर चुनाव लड़ना होता है। अब बनारस की सीट महिला आरक्षित हो जाए या एससी एसटी के कोटे में चले जाएं, तो इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे राहुल गांधी वायनाड केरल से चुनाव लड़ते हैं, अब उनकी सीट जो है महिला के तौर पर आरक्षित हो जाए, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए, है ना? जो मतलब कुछ कुछ ऐसे सीट्स हैं जो कि उस नेता के नाम से जाना जाता है, और वैसी सीटें महिलाओं के नाम पर आरक्षित हो जाए। सवाल यही है कि कौन से सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाए, ये कैसे तय होगा? इसके तीन स्टेप्स होंगे। पहले ये बिल पारित होगा, इसके बाद जनगणना और परिसीमन होगा। सबसे पहली बात तो इसमें यह है, जनगणना से जुड़ा हुआ है, जब तक जनगणना नहीं होगा और जनगणना होने के बाद में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा, उसके बाद ही सीट आरक्षित हो सकती है महिलाओं के लिए। परिसीमन के बाद तय होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सीटों का चुनाव रैंडमली भी हो सकता है, रैंडम चुनाव हो सकता है ना, या महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर भी हो सकता है। जिस संसदीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी पुरुषों की अपेक्षा, वहाँ की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। ये मुझे बेहतर लगता है कि ऐसा करने से सही होगा। खैर, उन नीति नियंताओं को सोचना है, पर यह सही होगा, ये सही रहेगा। जिस संसदीय क्षेत्र में, जिस कंस्टिट्यूएंसी में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए, यह बेहतर रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर सीटों पर
महिला पुरुष की जनसंख्या का रेशियो लगभग बराबर होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग कंस्टिट्यूंसी ऐसी है देश में जहां पर महिला और पुरुष का रेशियो जो है बराबर होता है, थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। तो भाई थोड़ा मोड़ा अंतर में ही वो चीज़ को देखना पड़ेगा कि जनसंख्या जिनकी ज़्यादा हो, अगर महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है तो महिला आरक्षित सीट करना चाहिए। इसलिए आरक्षित सीटें रैंडम चुनने की भी संभावना ज़्यादा है, यानी रैंडमली चुना जा सकता है या फिर जनसंख्या के आधार पर चुना जा सकता है। वो आगे निर्णय इसका लिया जाएगा और यह निर्णय तभी हो पाएगा जब देश में जनगणना हो, और जनगणना अभी नहीं हो रही है दोस्तों। यह 2024 चुनाव के बाद एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक में यह जनगणना सरकार करवाए, चाहे जिनकी सरकार आए वह 2026 में जनगणना करवाएंगे। उसमें समय लगेगा, परिसीमन में समय लगेगा, कंस्टिट्यूंसी बनानी होगी। परिसीमन का मतलब तो यही हुआ ना, मतलब जो संसदीय क्षेत्र होता है। तब 2029 में होने वाले चुनाव में महिलाओं को इस बिल का फायदा मिल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर जितनी बातें हो रही है, मैं शायद आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा, और आगे फिर हम इस विषय पर और भी बातें करेंगे। एक्चुअली जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसके लिए बात मुझे करनी थी, पर वह समय निकल गया, तो फिर मैं विशेष सत्र के बारे में पूरी जो उसकी हिस्ट्री है, जो संसद का विशेष सत्र कब और किस पर किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है और इससे पहले कब कब बुलाए गए हैं, उस विषय पर मैं बात रखूँगा आपके सामने। पर अभी जो करेंट में जो चल रहा था उस विषय पे बात रखनी जरूरी थी। महिला आरक्षण बिल सबके लिए जरूरी है, ये हमारे देश के लिए जरूरी है, हमारे महिलाओं के सम्मान के लिए जरूरी है। इससे महिला का सशक्तिकरण होगा। यह बिल बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था, पास हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये बार बार लटक रहा था। अब इस चीज़ का सौभाग्य मोदी जी को मिला है, उन्होंने, और इसमें राजनीति भी आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत के संबोधन में बताया था कि यह विधेयक, यह कानून का फायदा फिलहाल महिलाओं को नहीं मिल पाएगा जब तक जनगणना नहीं होती है, तो आप इसमें राजनीति ढूंढ सकते हैं, राजनीति की बू आती है, लेकिन महिलाओं की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है, सशक्तिकरण की बात है, तो इसमें सब लोग साथ हैं और सब लोगों ने समर्थन किया भी है। बस उनका एक इशू ये था कि SC ST और OBC का भी इसमें खुल्लम खुल्ला लिखित में होना चाहिए था, उनके आरक्षण के बारे में भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन उम्मीद है आगे चल करके इसमें संशोधन किए जाएंगे और उन्हें भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों तब तक आगे फिर आपसे हम मिलेंगे, बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।